हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं होटल स्टाइल स्पाइसी मज़ेदार छोले की रेसिपी, जो हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं छोले की चटपटी रेसिपी। हमने 5 से 6 घंटे तक छोले चने को भिगा कर रखा है। अब हम इसको एक कुकर में डाल लेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसको 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। हमें एक मिक्सर बनाना है, जिसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 5 से 7 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा पीसा हुआ नारियल, जिसको हमने रोस्ट कर लिया है, और हरा धनिया। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। हमें बिल्कुल इसी तरह से इसकी पेस्ट बना लेनी है। चलिए बनाते हैं छोले। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़े से जीरा और थोड़ा खड़ा मसाला। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। अब डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज और इसको भी हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, डालेंगे 1 चम्मच हींग और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज टोमेटो, जो हमने बारीक कट कर लिए हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो मिश्रण जो हमने तैयार कर लिया है, और उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इस मिक्सर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। हमारे चने अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस मिक्सर में डालेंगे 1 मीडियम साइज मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से तीन बड़े चम्मच नमक हमें डालना है और थोड़ा सा
छोले मसाला और गरम मसाला हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और लास्ट में डालेंगे हमारे छोले जो हमने अच्छे से पका लिए हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे छोले तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे छोले बिल्कुल भी तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।